Everyone, welcome to my YouTube channel. In my previous videos, we have discussed food chain and trophic level. We were talking about our chapter, that is our environment. In this video, we will talk about the ecological pyramid. So before starting my video, please subscribe my channel. If you haven't subscribed yet, please subscribe my channel and like the videos. Okay, so let's start our today's video, that is ecological pyramid. So you might have heard this term, that is known as a pyramid. देखो pyramid जो होते थे आप लोगों ने अपने SSC history वगैरह में पढ़ा होगा, in Egypt होते थे. Egypt में वो लोग pyramids बनाते थे, जिसमें वो लोग क्या करते थे कि जो भी है अपने dead ones को bury कर देते थे with their belongings. ठीक है, we will not talk about that. Okay, तो Egypt में बनाते थे इस तरह के pyramid. बट यहां पर तो ये तो हो गए पिरामिड क्या होते हैं. सो व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड. देखो इकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहां पर इकोलॉजी से रिलेटेड यानी हम ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे. तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं तो आपको बताना है ये क्या होता है. दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, ecological parameters. It is a graphical representation of ecological parameters in the form of pyramids. देखो इसमें graphical representation करते हैं कुछ ecological parameters की, किसके form में, पिरामिड की फॉर्म में. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इकोलॉजिकल पिरामिड्स. इकोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो इसमें क्या क्या हो सकता है. नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इसके बाद अगर हम बात करें तो इट कुड बी बायोमास एंड द एनर्जी. So these are some ecological parameters like number of organism, biomass among the organism and the energy. देखो सबसे पहली बात कि इसमें तो हम इन पैरामीटर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, वो भी ताकि वो किस फॉर्म में आएगा, वो एक पिरामिड की फॉर्म देगा हमें. दूसरी बात देखो ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं ये क्या बताते हैं हमें, आपको बताना है. दे गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स या फिर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स. कि ये आपको क्या बताते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या क्या रिलेशन है एट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, जो हमने लास्ट वीडियो में बात की. देखो अच्छे से तुम्हें कैसे अब समझ आएगा, तुम लोग एक एक एग्जांपल्स के साथ देखो. सबसे पहले अगर हम नंबर की बात करते हैं तो देखो आप लोग खुद सोचो. अगर मान लो मैं ये बोल रही हूँ कि चलो हम पहले एक फूड चेन बनाते हैं. मैंने बोला कि ग्रास थी, ग्रास को किसने खाया, गोट ने खा लिया. आई विल जस्ट टॉक अबाउट ओनली अ थ्री स्टेप फूड चेन. और गोट को मान लो टाइगर ने खा लिया. जस्ट मैंने क्या बोला है कि एक थ्री स्टेप फूड चेन है जिसमें ग्रास थी, ग्रास को गोट ने खा लिया और गोट को टाइगर ने खा लिया. तो अब यहाँ पे आप खुद बताओ ग्रास का नंबर ज़्यादा होगा फिर उसके बाद गोट का नंबर. ये थोड़ी है गोट का नंबर ग्रास के नंबर से ज़्यादा होगा कहीं पर भी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. फिर किसका नंबर ज़्यादा होगा, गोट का. और टाइगर तो किसी फॉरेस्ट में अगर हम बात करते हैं तो हार्डली टू और थ्री मिलेंगे और कहीं कहीं तो ओनली सिंगल भी मिल सकता आपको. तो देखो नंबर कैसे, अगर आप इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हो तो सबसे पहले आपके पास क्या है, ग्रास है जिनका नंबर ज़्यादा है. फिर उससे कम किसका नंबर है हमारे पास, गोट का नंबर है. और सबसे कम हमारे पास इसका नंबर है, हमारे पास टाइगर का नंबर है. तो फिर देखो ये किस फॉर्म में बन गया, एकदम पिरामिड की फॉर्म में बन गया ना. इसीलिए सिर्फ इसे क्या कहते हैं, आप लोग बार ग्राफ बनाते हो ना मैथ्स में, बिल्कुल उसकी तरह है ये. देखो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिख देंगे, ग्रास, फिर गोट और फिर टाइगर. इसको हम क्या कहते हैं, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, इकोलॉजिकल पैरामीटर का, किसका, नंबर का. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ यूनिट एरिया, एक एरिया के अंदर, एक यूनिट एरिया के अंदर, चाहे आप कितना भी एरिया कंसिडर कर रहे हो, यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म
आपको पाए जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, हमारा इकोलॉजिकल पैरामीटर। यहाँ पे आप नीचे लिखोगे इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन भी आता है और आपको इस तरह से एक ग्राफ बनाकर दिखाना है। ये हो गया आपका इकोलॉजिकल पैरामीटर और पिरामिड ऑफ नंबर। देखो ग्रास के लिए अगर यहाँ नंबर दिखाना चाहो तो आप लोग दिखा सकते हो। अगर देखो 1000 अगर ग्रास है तो आपको पता है कि हार्डली 50 क्या होंगी हमारे पास नंबर ऑफ गॉट होंगी, और सिर्फ 3 और 4 ही क्या होंगे हमारे पास नंबर ऑफ टाइगर। ये हाइपोथेटिकल है, ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने सिर्फ अज्यूम किया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पिरामिड ऑफ बायोमास की, तो देखो यहाँ पर बायोमास क्या होता है स्टूडेंट्स, बायोमास होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट, कि वहाँ पर कितना उसके पास ड्राई वेट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये किस तरह से हम मेज़र करते हैं, इसकी यूनिट होती है। देखो नंबर की तो कोई यूनिट नहीं होती, तो उसके लिए हमें वो नहीं करना। यहाँ पे हम देखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर में, यानी कि एक मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर उस ऑर्गेनिज्म में कितना बायोमास है। तो देखो अब यहाँ पर सेम चीज़ है, मैं सेम उसकी बात कर रही हूँ, ग्रास था, गोट थी और टाइगर था। अब आप लोगों को खुद को पता है जब नंबर ऑफ ग्रासेस ज़्यादा हैं तो इनका बायोमास भी, इनका जो ड्राई वेट है, अगर एक आप मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर आप एक ग्रास का फिर देखोगे, अगर आप वो सॉरी ड्राई वेट देखोगे तो वो भी ज़्यादा ही होगा क्योंकि उनका नंबर ज़्यादा है। फिर अगर गोट का नंबर कम है तो उनका क्या होगा, ड्राई वेट भी कम होगा, और सबसे कम तो टाइगर का होगा। तो इसी तरह से आपको क्या मिल जाएगा, एक पिरामिड ऑफ बायोमास। मैं जस्ट लिख रही हूँ इसको शॉर्ट फॉर्म में, पिरामिड ऑफ बायोमास। अब देखो यहाँ पे अब आपको नंबर लिखना है, तो सपोज़ मैं बोल रही हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे ये था 500 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मान लो कितना रह गया, 50 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे फिर ऊपर की तरफ सिर्फ कितना रह गया, मान लो 10 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। दिस इज़ योर पिरामिड ऑफ बायोमास। देखो इसके बाद जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है ना, डैट इज़ योर पिरामिड ऑफ एनर्जी। देखो अब इसमें मैंने क्यों बोला कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो पहली बात ये बहुत बार पूछा जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम पिरामिड ऑफ एनर्जी ही पूछा जाता है। देखो एनर्जी आपको क्या याद रखनी है कि एनर्जी हर लेवल पे, जैसे मान लो हम लोग उसी की बात कर रहे हैं, ग्रास गोट एंड टाइगर की ही बात कर रहे हैं, हर लेवल पे एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। कि अगर प्लांट के पास कुछ एनर्जी थी, कुछ अमाउंट में सपोज एनर्जी थी, तो वो जब नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जब प्लांट देगा ना अपनी एनर्जी, तो वो उससे कम देगा, और वो फिर टाइगर के पास और भी कम जाएगी। ये बात हमेशा याद रखनी है आपको। और कितनी कम जाती है, देखो हमेशा ये 10% जाता है आगे की तरफ। तो देखो इसको हम एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। सपोज़ आपकी जो ग्रास थी उसके पास कितना था, 1000 जूल, तो अगले ट्रॉफिक लेवल पे कितना जाएगा, इसका 10%। तो चलो यहाँ कैलकुलेट करते हैं, 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 2020 यानी 100 जूल, यानी इससे अगले ट्रॉफिक लेवल डैट इज़ द गोट, उसके पास कितना जाएगा, 100 जूल। और अगर मैं इससे ऊपर जाती हूँ तो 100 का भी अगर मुझे 10% करना है, देखो 100 का अगर मैं 10% करती हूँ तो ऑब्वियसली कितना आ जाएगा, 10 जूल। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हमेशा इस तरह से होता है, वन ट्रॉफिक लेवल से जो एनर्जी होती है हमेशा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के ऊपर, वो सिर्फ़ और सिर्फ कितना जाता है, सिर्फ और सिर्फ 10% का ही ट्रांसफ़र होता है। सो दिस इज़ योर पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो आप किसमें दिखाओगे, यूनिट जूल में। तो देखो स्टूडेंट ये हो गए एक तो आपके तीनों के तीनों पिरामिड, और ये है आपका इकोलॉजिकल पिरामिड, जिसमें हमने देखा पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड द पिरामिड ऑफ एनर्जी। देखो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो तुमसे पूछी जाती है, डैट इज़ योर, इसी को हम क्या कहते हैं, 10% लो कहते हैं।
10% लो का मतलब ही क्या होता है, ये हमारे एक साइंटिस्ट ने दी थी जिनका नाम था लिंडमैन। इन्होंने इनके अकॉर्डिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मैं तो कहती हूँ हर बार एग्जाम में आता ही आता है 10% लो के बारे में। तो याद रखना है, अकॉर्डिंग टू दिस लो ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अनदर ट्रॉफिक लेवल, कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ही जाती है, बाकी 90% एनर्जी वो खुद अपने जो ऑर्गेनिज्म होता है ना वो खुद से यूज़ कर लेता है, चाहे वो रेस्पिरेशन में यूज़ कर रहा है, वो अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ में यूज़ कर रहा है, वो अगले लेवल पे सिर्फ 10% देगा। यही वजह है, मैंने आपको बोला था ना जब ट्रॉफिक लेवल पढ़ाते वक्त कि सिर्फ 4 या 5 ही ट्रॉफिक लेवल होते हैं, क्वेश्चन है एनसीईआरटी कि सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल ही क्यों होते हैं, ज़्यादा क्यों नहीं होते हैं। तो यू हैव टू आंसर कि 10% एनर्जी लो के अकॉर्डिंग सिर्फ लिमिटेड एनर्जी ही आगे ट्रांसफ़र होती है। तो देखो, अगर मैं इससे ज़्यादा बनाती हूँ मान लो ट्रॉफिक लेवल, तो यहाँ 1 जूल बच जाएगा, फिर अगर मैं इससे ज़्यादा बनाती हूँ तो 0.1 जूल, इतनी सी एनर्जी को लेकर कोई क्या करेगा, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इसी वजह से ट्रॉफिक लेवल लिमिटेड होते हैं, सिर्फ 4 मैक्सिमम 4 और 5 के अलावा तो ट्रॉफिक लेवल होते ही नहीं, क्योंकि एनर्जी बचेगी ही नहीं उस बेचारे के पास, वो करेगा क्या उस एनर्जी का। तो डैट इज, दिस इज योर 10% एनर्जी लो बाय द लिंडमैन। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास कि उसमें क्या होता है कि एनर्जी का फ्लो कैसे होता है आपके इकोसिस्टम में। ये लास्ट टाइम CBSE में पूछा गया था, हाउ द एनर्जी फ्लो अक्कर्स इन द इकोसिस्टम। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जितनी टोटल एनर्जी सन अर्थ के ऊपर डालता है, जितनी भी एनर्जी, सॉरी, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1% एनर्जी होती है ना, अर्थ के ऊपर 100% आई, सिर्फ 1% एनर्जी होती है ना, वो कौन ट्रैप करता है, आपके प्रोड्यूसर्स यानी आपके प्लांट। जितनी भी सन ने दी है उसका सिर्फ 1%, और उसके बाद आगे ट्रांसफ़र किसके अकॉर्डिंग होता है, इस 10% लो के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे कि मान लो कि आपके प्रोड्यूसर्स के पास इतनी एनर्जी थी, जितनी भी वो लिख देगा अपनी मर्जी से, और आपसे पूछेगा बताओ टॉप लेवल पे कि वो 5 स्टेप की अगर फूड चेन है तो 5th लेवल के ऊपर एनर्जी कितनी होगी। तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है कि 2nd स्टेप पे कितनी हो जाएगी, 3rd स्टेप पे कितनी हो जाएगी, 4, हमेशा 10% लो लगाते जाओ और उसके आगे आगे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको ये अच्छे से इकोलॉजिकल पिरामिड क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी and you can leave your queries in the comment section also.